मेरा पीसी बिल्ड करने के बाद में मेरे पास एक 512 GB की NVMe SSD थी एज स्टोरेज, बट दैट वॉज नॉट इनफ लेटर, सो आई एडेड 1 TB SSD, देन अगेन फिर मुझे 2 TB की एक और SSD ऐड करनी पड़ी। अब ऑल तो मेरे पीसी में चारों तरफ हवा ही हवा है 12 फैंस के बाद में, बट मैंने जो ये 2 SSD बाद में ऐड करी थी इनके टेम्परेचर हाई रहते थे। एज यू नो मोस्ट ऑफ जो मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी SSD होती है जो कि CPU के नजदीक सिर्फ उसी में हीट सिंक मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे गाइस दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं डेटा को। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी सी लंबी लगे लेकिन आई प्रॉमिस इट विल बी वर्थ ऑफ योर टाइम। सो अब टोटल स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की XPG गेमिंग S50 लाइट एंड अगेन एक और 1 TB की S50 लाइट एंड देन एक 2 TB की XPG गेमिंग S70 ब्लेड। सो एज यू कैन सी दोनों जो S50 लाइट SSD है उनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो काफी था ड्यूरिंग मैक्सिमम लोड, जिसमें से ऑब्वियसली 1 TB वाली SSD विदाउट हीट सिंक के थी। एक्चुअल हीट सिंक ये एक पतली सी प्लेट नहीं जो कि हमें XPG की बहुत सारी SSDs के साथ में देखने को मिलती है। फिर दूसरा रीजन ये भी था कि ये SSD डायरेक्टली अंडर द GPU थी। और अब बात करें XPG गेमिंग S70 ब्लेड की तो वो तो चलती ही हॉट है S50 लाइट के कंपैरिजन में ड्यू टू मोर पावरफुल कंट्रोलर। एंड अब इन टेम्परेचर्स की बात करें तो डायरेक्टली GPU और दोनों SSDs पे डायरेक्टली एयर फ्लो के बाद में था, तो अब मुझे रिक्वायरमेंट थी 2 हीट सिंक की, एक थोड़ा सा स्लिम होना चाहिए एंड दूसरा अगर थोड़ा थिक हो तो कोई इतना इश्यू नहीं था, बिकॉज जो S50 लाइट 1 TB SSD थी वो डायरेक्टली GPU के अंडर इंस्टॉल होनी थी, जहां पे बेयरली हमें SSD लगने के बाद में 10 mm के आसपास का स्पेस देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैंने 2 हीट सिंक परचेज किए, पहला हमारे 1 TB SSD के लिए डिफाइन SSD हीट सिंक एट ए प्राइस ऑफ 349। एंड अब बात करें 2 TB SSD के लिए दूसरा हीट सिंक हमने चूज किया जॉब्स का एट द रेट ऑफ 589 रुपीज। अब दोनों के बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो डिफाइन में आपको एक थर्मल पैड देखने को मिलता है और एक स्लिम सा हीट सिंक एंड 5 आपको इलास्टिक्स देखने को मिलते हैं SSD और हीट सिंक को कॉन्टेक्ट में रखने के लिए। सो प्रेटी मच आपको बहुत ही सिंपल पैकेजिंग देखने को मिलती है। एंड अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये हीट सिंक 1-sided SSDs होती हैं उनके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। एंड अब हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो हमें 8 स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं, हालांकि हमें सिर्फ 6 की नीड है और एक स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है। एक हीट सिंक देखने को मिलता है और उसी के साथ बैक प्लेट भी, जो कि ऑब्वियसली यूजफुल है ड्यूअल साइडेड SSDs के लिए जैसे हमारी थी। एंड वैसे इसके बॉक्स की बात करें तो ये कोई चाइनीज ब्रांड है कॉल्ड JE, जॉब्स का आपको कहीं कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। एंड और बात करें तो बॉक्स में आपको 3 थर्मल पैड्स भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इन बॉक्स हीट सिंक्स जो इन दोनों SSDs के साथ में आते हैं, तो वो एक थिन सी प्लेट है जिसके बाद में आपने फिर भी टेम्परेचर देख लिया कि शूट अप कर रहे थे। एंड थर्मल पैड जो साथ में आते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि थर्मल पैड कम एंड देखने में डबल टैप ज्यादा लगती है। एंड ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ये SSD ली थी उस टाइम तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन इनको उतारने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने मेरी इस 1 TB SSD पे कोशिश नहीं की बिकॉज कहीं उसको उतारने के चक्कर में SSD ना टूट जाए। सो इसीलिए मैंने अपना ये हीट सिंक है इसी के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। एंड आई मेजर अभी भी ये इंस्टॉल करने के बाद में हमारी SSD GPU के अंदर आराम से इंस्टॉल हो रही थी एंड स्टिल 4-5 mm का हमें गैप देखने को मिलता है, सो इट इज फाइन। एंड अब ऑनेस्टली बताऊं तो ये हीट सिंक मैं सेकंड टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ। यस, ये हीट सिंक मैंने 6 महीने पहले ही मंगा लिया था, फिर सोचा वीडियो बनाऊंगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सो आई जस्ट इंस्टॉल्ड इट। सो नाउ बारी थी ड्यूअल साइडेड JE हीट सिंक की। 1 TB SSD में हमने हीट सिंक पील ऑफ नहीं किया एंड यहाँ पे भी मैंने सोचा था वो हीट सिंक या फिर वो जो भी पतली सी प्लेट वो उतारनी नहीं पड़ेगी, बट ये SSD उसके साथ में फिट नहीं हो रही थी। सो जैसे तैसे जोड़ तोड़ मरोड़ के 10 मिनट की मेहनत के बाद मैंने वो हीट सिंक निकाल लिया सक्सेसफुली एंड सीरियसली एज यू कैन सी इट लुक्स लाइक ए डबल टेप। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब मेहनत करने के बाद में मुझे लगा था कि कहीं SSD डैमेज ना हो गई हो, लेकिन द गुड थिंग इज डैमेज नहीं हुई, तभी मैं आपको ये वीडियो भी दे रहा हूँ। JE हीट सिंक के साथ भी आपको 3 थर्मल पैड्स देखने को मिलते हैं, एक ब्लू थर्मल पैड जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में मिलता है इनकेस अगर आप पर चिप पे यूज करना चाहें, एंड 2 बिग थर्मल पैड्स भी मिलते हैं, एक ब्राउन और एक ब्लू। एंड आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने जस्ट ब्राउन थर्मल पैड को नीचे एंड ब्लू थर्मल पैड को SSD के ऊपर लगा दिया एंड जस्ट इंस्टॉल कर दिया, सारे स्क्रू टाइट करने थे। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो इन स्क्रूज की वजह से लगता है कि हाँ हमारा हीट सिंक प्रॉपर SSD के कॉन्टेक्ट में भी है। एंड अब हम देखें तो दोनों SSDs रेडी थी। नाउ आफ्टर आई इंस्टॉल देम मैंने रियलाइज किया कि ड्यूअल साइडेड जो हमारा हीट सिंक था वो SSD काफी थिक थी एंड कहीं ना कहीं वो हमारी 1 TB SSD पे एयर फ्लो भी रोकेगी। सो एक बार उस एयर फ्लो को ब्लॉक किए बिना टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी S70 ब्लेड SSD नहीं लगाई। नाउ अगर हम अब देखें तो हमारी जो SSD का जो पीक लोड पे जो टेम्परेचर है वो कंपेरेबल था हमारी 512 GB SSD के लिए जिसके ऊपर मदरबोर्ड वाला हीट सिंक था। इवन पीक लोड पे 1 डिग्री हमें कम देखने को मिल रहा था। एंड
अब अगर इसी SSD की बात करें बिना हीट सिंक के, तो पहले के टेम्परेचर में अगर हम डिफरेंस देखें तो आइडियल में हमें 4 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो पीक लोड पे जो टेम्परेचर था उसमें हमें 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिला था, जो कि मैसिव है। नाउ बारी थी S70 ब्लेड SSD की विद JE हीट सिंक ऑब्वियसली। सो अब हम अपनी अगर 1 TB SSD की बात करें तो आफ्टर ब्लॉकिंग द एयर फ्लो तो आइडियल टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम था, एंड यस पीक लोड पे हमें 6 डिग्री इंक्रीज देखने को मिला जो कि ऑब्वियस था, एंड मिनिमम जो टेम्परेचर था उसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। एंड ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में SSD यूज़ करते हैं तो आप इन चीज़ों को माइंड में रखें। एंड स्टिल अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारी जो 1 TB की SSD विदाउट हीट सिंक एंड आफ्टर हीट सिंक दोनों में जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। स्टिल हमें 60 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज देखने को मिला है ऑन पीक लोड एंड 3 डिग्री सेल्सियस कम देखने को मिला है आइडियल पर। एंड अब हमारे मेन SSD की बात करते हैं S70 ब्लेड 2 TB SSD विद JE हीट सिंक। तो यहाँ पे अगर हम बिफोर और आफ्टर का टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है। आइडियल और पीक लोड दोनों ही कंडीशंस में हमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। सो आई गेस ये वी डिड इट। सो इन एडिशन दोनों हीट सिंक काफ़ी यूजफुल रहे, बट क्या वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? एक्चुअली नहीं, इट्स जस्ट ए पीस ऑफ मेटल, सो 349 एंड 589 स्टिल वॉज वे एक्सपेंसिव। एंड अगर इनके प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो वो भी शायद इनकी जो ये कॉस्ट है इसकी 10% या 20% के बीच ही होगी। आप अगर ऐसे ना समझते हैं तो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई नीडेड अ GPU सपोर्ट ब्रैकेट एंड आफ्टर ऑल आई हैव RTX 3090 एंड मैन इट्स हैवी। सो अगर बात करें तो मैंने Amazon पे सस्ते से सस्ता हीट सिंक जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो 589 रुपीज में देखा। हालांकि अब और देखने को मिल जाते हैं 499 में भी। तो मैं गया एक हार्डवेयर शॉप पर, एक नट और 10 बोल्ट लिए 20 रुपए में। 50 रुपए थे वेल्डिंग वाले भैया को और मैंने ये रेडी कर लिया। आई नो ये बहुत ही हिडियस लग रहा है देखने में, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन। ऑल्सो PC केस में बार बार झांक के इसको कौन ही देखता है, बट इट इज सर्विंग द पर्पज। सो कहने का मतलब ये है कि 70 रुपए में ऐसा बना, और अगर हम कंसिडर करते हैं कि अच्छी फिनिशिंग हो और सपोज मॉस प्रोडक्शन के बाद में, क्या ये प्राइस 499 और 589 जस्टिफाई होती है? यू डिसाइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।